माघ मेले में किन्नर अखाड़े के उद्घाटन 20 जनवरी को होगा। कुंभ मेला 2019 में करोड़ों लोगों के बीच आभा बिखेर चुके किन्नर अखाड़े की उपस्थिति माघ मेला 2022 में भी रहेगी। शिविर लगाने के लिए अखाड़े ने मेला प्रशासन से सेक्टर 5 में जमीन लिया है। अखाड़े की प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी 20 जनवरी को प्रयागराज आएंगी। किन्नर अखाड़े का उद्देश्य माघ मेले में श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देने के साथ ही 2025 में लगने वाले कुंभ की तैयारी करना भी है। माघ मेले में वैसे तो अखाड़ों की भागीदारी नहीं होती रही है, लेकिन इस बार किन्नर अखाड़े ने जमीन के लिए दावा कर नई लकीर खींची है। किन्नर अखाड़े की योजना है कि यहीं पर धर्म कर्म के अलावा कुंभ में भागीदारी की पुख्ता योजना भी बनाई जाएगी। शिविर को कुंभ मेला की तरह भव्य बनाया है, जबकि अखाड़े ने निर्णय लिया है कि स्थानीय पुलिस से सुरक्षा लेने के बजाय निजी सुरक्षा गार्डों की तैनाती की जाएगी। सुरक्षा के लिए बाउंसर भी तैनात किया और पूरे शिविर को 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगवाया। कल किन्नर अखाड़े के उद्घाटन आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के हाथों होगा। महामंडलेश्वर कल्याणी गिरी ने बताया कि इस बार अखाड़े में विशेष होगा। खबर जगत के लिए एलएन सिंह की रिपोर्ट। आपकी शिविर का उद्घाटन कब है? जय श्री महाकाल। हमारा किन्नर अखाड़े का शिविर पूरी तरह से तैयार हो चुका है और किन्नर अखाड़े का उद्घाटन कल है। और कल हमारी आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी भी अखाड़े में आ जाएंगी और उनके आगमन के बाद हरिगिरि महाराज जी से हमारे शिविर का उद्घाटन होगा। और आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि आइए अखाड़े में, और अखाड़े में आप सभी का स्वागत है। अखाड़े में बहुत सारी चीज़ें इस बार आपको नई दिखेंगी। यज्ञ होगा, महायज्ञ होगा, बहुत ढेर सारे कार्यक्रम होंगे। आप अखाड़े में ज़्यादा से ज़्यादा सभी श्रद्धालु आइए और कोविड का पालन करते हुए सैनिटाइज करिए, मास्क लगाइए और 2 गज की दूरी मास्क से ज़रूरी, कोविड को ध्यान रखते हुए मेले का आनंद उठाएं। और कल हमारा टाइमिंग है 12 बजे के बाद, दोपहर में 12 से 2 के बीच में ओपनिंग होगी और जूना अखाड़े के हरिगिरि महाराज जी के हाथों से। जय श्री महाकाल। इस बार कोई विशेष प्रोग्राम? विशेष प्रोग्राम तो किन्नर अखाड़ा बोलता नहीं है, करके दिखाता है। जब आप आएंगे तो आपको हर चीज़ विशेष ही दिखेगी, क्योंकि हर चीज़ हम हर बार नहीं करते हैं, तो इस बार भी नया रहेगा, वो आपको दिखेगा। बताएंगे नहीं? बताएंगे नहीं, गुप्त है। ठीक ठीक ठीक।